क्या आपने कभी खाली वक्त में सोचा है रिकॉल को नॉर्थ कोरिया का संकेत तानाशाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? आखिर वो मंजर क्या होगा जब दो न्यूक्लियर पावर के बीच जंग होगी? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में जीत किसकी होगी? वेल, आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। जानेंगे कि वो कौन कौन से देश होंगे जो भारत का साथ देंगे और कौन मशरूम कट वाले किंग जोंग से हाथ मिलाएंगे। नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद वो देश जिसका कोई भरोसा नहीं। तानाशाह का देश कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। किसी कारण नॉर्थ कोरिया जंग का ऐलान करता है तो उसे हल्के में लेना ठीक नहीं है। वहीं ये जंग भारत से हो तो सबसे पहले दोनों देश अपने समर्थ के लिए साथी चुनेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश होंगे जो भारत का साथ देंगे। तो इसका पहला नाम आता है अमेरिका। अमेरिका इंडिया का सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। इसकी वजह बायलेटरल ट्रेड के साथ कई दूसरी बातें भी है। वहीं ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया का अमेरिका से खटपट पहले से ही है और यही वजह है कि आए दिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकाता रहता है। और यही पॉसिबल है कि हाइपोथेटिकल जंग में हाथ मिलाता और रूस भी भारत का साथ दे। भारत के जितने सारे संबंध इजराइल और फ्रांस से है, उतना ही ज्यादा ये देश नॉर्थ कोरिया को खटकते हैं। इसीलिए ये देश भी भारत के साथ आने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया और भारत आमने सामने आते हैं तो नॉर्थ कोरिया के आसपास के देश भी भारत का साथ ही देंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है जापान, जिससे नॉर्थ कोरिया के आई टाइट करतूतों से सबसे ज्यादा खतरा। इसीलिए एशिया में दबदबा रखने के लिए जापान भारत का ही साथ देगा, क्योंकि जापान जानता है कि नॉर्थ कोरिया के यहाँ पर नहीं रोका गया तो अगला निशाना वही होगा। क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया कुछ मिसाइलों के निरीक्षण किया था जो बिना किसी परमिशन के जापान के ऊपर से उड़ा दिए गए, जिससे जापान को नॉर्थ कोरिया से उखड़ना लाजमी है। वहीं जंग के दौरान भारत के पास नॉर्थ कोरिया का दुश्मन नंबर वन साउथ कोरिया का भी समर्थन रहेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह रहेगा कि बंटवारे के वक्त से ही साउथ कोरिया के अमेरिका से ही संबंध रहे हैं। इसका नतीजा यह रहेगा कि साउथ कोरिया में आज भी 28,000 अमेरिकी जवान तैनात हैं जो जंग के समय नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और भारत के मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं अगर नॉर्थ कोरिया की टीम की बात करें तो यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात, नॉर्थ कोरिया को हमेशा चीन का साथ मिलता रहा है और अगर चीन जंग में उतरा तो उसका कर्जदार पाकिस्तान भी बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर टूट पड़ेगा। वहीं अगर इजराइल और अमेरिका भारत का साथ देंगे तो ईरान भी स्वाभाविक रूप से नॉर्थ कोरिया का ही साथ देगा। आप यह बात जानते ही है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया का संबंध पहले से ही काफी अच्छा रहे हैं। खबरें बताती है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया समय समय पर दुनिया भर में छिप छिप कर हथियारों को भी डील करते हैं। लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर दो न्यूक्लियर पावर की जंग होती है साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और पैसिफिक तक शामिल हो जाएंगे, यानी कि अगर ऐसी कोई जंग होती है तो यह तीसरा महायुद्ध से कम नहीं होगा। लेकिन बाकी देश सिर्फ बैकहैंड से मदद करते हैं तो युद्ध जैसे हालातों से बचा जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत को वाकई नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए भारी शक्ति की मदद चाहिए? तो उत्तर है नहीं, और इसके पीछे की वजह जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। पार्ट 2 जल्दी आना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो पार्ट 2 मिस हो जाएगा। तब तक मिलते हैं पार्ट 2 में।